अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं 5000 के अंडर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। 3 पैकेट लिए चिकन के जो कि मुझे पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, हमारी न्यूरोलॉजी की क्लास लगी हुई है वहाँ पे, लेकिन सबसे पहले फिल्टर से पानी भर लेते हैं। ये गए इसमें 200 रुपए। इसे प्रेस करते हैं हम ग्रीन बटन। यार हमारे घर की टूटी में कभी कभी गंदा पानी आता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये भी पाकिस्तान वाला तो हिसाब किताब नहीं, वहाँ पे तो फुल गंदा होता है। यहाँ पे कभी कभी लाइक रिपेयर कर रहे हूँ, फिर गंदा शंदा आता है। यार यहाँ पे सर्दी जाती जाती फिर आ गई है, इतनी ज्यादा सर्दी है ना अभी। मैंने तो जैकेट शैकेट हुडी शुडी यस कराई हुई है, ठंड नहीं मुझे लग रही, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है। कोई ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। एक्चुअली यहाँ पे बारिशें हो रही है ना पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली। और ये मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ। तो यार अभी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में पहुंच गया हूँ, 400-500 मीटर के फासले पे है, ठीक है। बस हमें वहाँ पे उतार देती है, फिर आगे चल के जाना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इस हॉस्पिटल में हमारी क्लास लगी है, हॉस्पिटल नंबर 1 में। और यार जल्दी जल्दी से हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें, आगे जल्दी से हो जाना चाहिए बस। यार अभी टीचर ने हमें रूम में बिठा दिया, ये चेक कर रहे हो रूम, बेड वेड लगे हुए हैं, टीवी शीवी लगा है, फ्रिज भी है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे ही रूम दे दो, अपार्टमेंट में अपना छोड़ देता हूँ। इतना यार सेक्सी रूम है, चेक कर रहे हो। A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. तो यार घर आ गया आपका भाई, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। आके जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि सुबह से मैं भूखा था, 8 बजे का निकला हुआ था, कोई 2 बजे टीचर ने छोड़ा है। और ब्रेकफास्ट में मेरे पास हाफ फ्राइड अंडे हैं, नगेट्स है और सेब है, अभी खाते हैं मजे से। यार अभी मैं जा रहा हूँ यशपाल की तरफ, उसने मुझे बुलाया है, आप खुद ही सुन ले क्या कह रहा है वो। भट्टी भाई आलू के पराठे बना रहा हूँ, आ जाओ। मुझे अभी भूख तो नहीं, लेकिन फिर भी 2-4 खा लेंगे। आपको पता है आपका भाई खाने पीने के मामले में ना खतरनाक है। कैसे हो यशपाल जी? बढ़िया, ठीक हो? यार इन लोगों ने भाई पंखा शंखा लगा भी लिया, देख रहे हो इतनी गर्मी आ गई है। अजय ज्यादा ही गर्मी लगती है क्या तुझे? और ऊपर से बिस्तर ले के पड़े हुए हैं, ठीक है। यार यशपाल पराठे बना के ले आया है, बड़े लेवल के लग रहे हैं, और साथ में इसने चटनी जो बनाई है ना, ओए हो, अभी इसको खा के ट्राई करते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पाल जी कमाल कर दी, यशपाल और ले आया। नहीं यार यही खाऊंगा, 2 बहुत है मेरे लिए। हाँ खाता हूँ मैं। अखीर एक नंबर भाई, मजा आया। गुड मॉर्निंग जी, ये नेक्स्ट डे है और एज यूजुअल हम क्लास जा रहे हैं, लेकिन आज हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, दूसरे वाले हम किसी और क्लिनिक जाएंगे हमारी, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन स्टार्ट हो गई है। और आप बोर हो गए होंगे कि भाई हर व्लॉग में कहता है कि क्लास जाना है। थैंक यू काजी, बबल खा लेते हैं, ब्रश नहीं किया सुबह से। और अपनी टैक्सी भी आ गई है। आज इस क्लिनिक में लगी है हमारी क्लास, LS क्लिनिक। 3 hours later. तो यार अभी मैं यूनिवर्सिटी से घर आ गया था, घर आके फ्रेश हुआ हूँ, अभी चलते हैं लाइब्रेरी, वहाँ पे चल के थोड़ा सा पढ़ते पुढ़ते हैं। और आज मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ, हमारे पास होगा 5000 रुपया, ठीक है, और उससे हम शॉपिंग करेंगे, मतलब ग्रोसरी खरीदेंगे हम घर के लिए, और उसको फिर कंपेरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान से। इसे हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कितनी महंगाई है, ठीक है। आज हम घर के पास वाली लाइब्रेरी पे जाएंगे, नहीं तो इतनी दूर मुझे जाना पड़ता था गूगल पे बस पे बैठ के, यहाँ पे 10 मिनट का रास्ता है, मैंने कहा यहाँ पे ही चलते हैं। आज मेरा बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है, बिकॉज हमारी क्लास आज पास ही थी, नहीं तो भाई 13-14 किलोमीटर इतनी दूर जाना पड़ता था और बस में खड़े होके आना पड़ता था। तो यार ये लाइब्रेरी है जिसमें आज हम जाएंगे पढ़ाई से, मैं फ्री हो गया हूँ। अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं 5000 के अंडर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अभी चलते हैं सुपर स्टोर में, 5000 रुपया इसको डालते हैं मशीन में। मैं कार्ड में पैसे रखता ही नहीं, कार्ड में हो तो भाई लग जाते हैं, कैश में हो ना बच जाते हैं। अभी मैं उठाऊंगा बेसिक चीजें, जैसे गोश्त हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो गोश्त है अपने सामने, ठीक है, ये हम उठाएंगे। ये भाई है 1200 का ऑलमोस्ट, ठीक है, ये उठा लेते हैं, ठीक है। हम मैं
छः बंदे खाने वाले, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये तो बहुत कम है, थोड़ा सा और उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, ये एक दही का डब्बा उठा लेते हैं, कोको कोला उठा लेते हैं, इस पर सेल लगी हुई है, एक मैंने लीमू लिया, एक खीरा लिया और इसके अलावा लहसुन, एक मैंने प्याज लिया और दो मैंने लिया टमाटर। अभी हम इसका बिल करवाते हैं, देखते हैं कितने पैसे बने हैं। यार हमारा बिल तो 5000 से ऊपर बन गया, अब मैं कोई चीज वापस भी नहीं कर सकता था बिकॉज सारी जरूरी चीजें हैं। अब घर चलते हैं और इनको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ कि भाई यहाँ पे कितनी महंगाई है। तो यार घर में आ गए हूँ, अभी इनका कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में ये कितने का मिलेगा और इंडिया में कितने का मिलेगा और यहाँ पे कितने का मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने 3 पैकेट लिए चिकन के, जो कि मुझे पड़े कोई ऑलमोस्ट 3380 रुपए के। अगर पाकिस्तान में बात इसकी करें तो ये 2 किलो चिकन है जो कि 1400 रुपए का मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे 3300 का है, और इंडिया की बात करें तो वहां पे लाइक यही 600 रुपए का मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक मुझे पड़ी 2 लीटर कोई 600 रुपए की, पाकिस्तान में यही 200 की 250 की मिलती है, ठीक है, और इंडिया में कोई 70-80 रुपए की, ठीक है। खीरा लिया, इसकी कीमत है भाई 314 रुपए, पाकिस्तान में यही खीरा 20-30 रुपए का मिलता है और इंडिया में 10 रुपए का। योगर्ट मुझे मिली है 450 की, पाकिस्तान की बात करें तो ये 200 रुपए की मिलेगी और इंडिया की बात करें तो भाई ये कम अज कम लाइक 125-130 रुपए की मिलेगी, ठीक है। टमाटर मुझे मिले हैं 2 314 रुपए के, पाकिस्तान में ये लाइक 50-60 रुपए के होंगे ज्यादा से ज्यादा और इंडिया में ये होंगे 20-30 रुपए के। प्याज तो अपने को 15 रुपए का मिला, ये पाकिस्तान में भी इतने का 10-15 का ही मिलता है। ये लहसुन एक छोटा सा मैंने लिया है कोई 111 रुपए का, पाकिस्तान में ये लहसुन ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का होगा, ठीक है, और इंडिया में 5-10 रुपए का होगा। और इसके अलावा ये लीमू, ये भी भाई मेरे को पड़ा, ये भी सस्ता है, इतना सस्ता नहीं है, पाकिस्तान में ये 20-30 का मिलता होगा, यहाँ पे 110-120 रुपए का मुझे मिला है। तो ये हमारा कंपैरिजन था, टोटल अमाउंट में अगर पाकिस्तान में गूगल रेट से कन्वर्ट करें ना तो ये 3500-3600 बनते हैं, ठीक है, 3500-3600 में हमें ये थोड़ा सा सामान मिला है, हमारा एक टाइम का खाना ही सिर्फ इससे बन पाएगा। खाना शाना बनाते हैं, डिनर की बारी मेरी है, मतलब बनाने की हमारी 3-3 की टर्न लगी हुई है, एक टाइम यादव बनाता है, एक टाइम काशी बनाता है, एक टाइम मैं बनाता हूँ। यार अभी आपके भाई ने डिनर बना लिया है, मैंने बिरयानी बनाई है और बहुत ही लेवल की बनी है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये चेक कर रहे हो भाई साहब, मैंने 2 में बना ली थी, एक में पूरा नहीं आता। और व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, जल्दी जल्दी से हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। बाकी मिलते हैं किस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।